बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी मिसालें जो है ऐड कर दिए हैं। कद्दू में पहले इसको धोया, अभी थोड़ा सा मैंने कहा और पानी लगा दे, फिर जाना ऐड करेंगे पतीले में। ये देखें मिसाले हमारे, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाई, जहाँ भी रहो खुश रहो, आबाद रहो, हंसते और मुस्कुराते रहो, फूलों की तरह। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं, घर में बच्चे भी सब ठीक हैं। अब सब बहन भाई की दुआ है। तो जो हमारे चैनल पर न्यू है वो हमारे चैनल का लो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, अच्छे अच्छे कमेंट करें, वीडियो फुल बात करनी है। तो माशाल्लाह सर का बात का टाइम हो चुका है, तो हम भी हाजिर हो चुके हैं। तभी इंशाल्लाह चलते हैं वीडियो की तरफ। आप सब हमारे साथ रहना, वीडियो फुल बात करनी, वीडियो से कुछ नहीं करना। तो काम सब चला गया है, नमाज अदा करके फिर सब्जी लेने के लिए सब्जी लेके आएगा, फिर जो आपसे शेयर करेंगे क्या चीज़ लेके आता है। और सुमैया भी माशाल्लाह नींद से उठ गई है, फिर भी इसको उबासियाँ आ रही हैं। कहाँ चलेगी सुमैया? अक्सा के घर। अच्छा, अक्सा की मूँझ आ गई, 15 मिनट सोई है फिर अक्सा की मूँझ आ गई, तो भागी है उधर से। चलो ठीक है, अभी इंशाल्लाह चलते हैं देखने अपने साइन की तरफ। तो हमारा साइन जो है ना माशाल्लाह ये देखें अच्छा खासा धोल चुका है। अभी जो है ना अबू जान भी कुरान मजीद की तिलावत कर रहा है। ये देखें चारपाई अभी बाहर हमने निकाल दिया माशाल्लाह, अभी इंशाल्लाह पंखे वगैरह भी लगा दिया है। तो माशाल्लाह पहुंच गए किचन में। तो ये देखिए हमारी अचार वाली मिर्ची जो है ना ये कटी रखी है, बना के रख दिए इसको सुबह से। तो ये हमारा लसूड़ा, देखिए अभी लसूड़े की शक्ल कैसी नज़र आती है, जैसे बेर होते हैं। माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये देखें अच्छे अच्छे सूख गए हैं। अभी इसको जो है ना आज शाम को अचार डालेंगे इंशाल्लाह। काम साहब चला गया सब्जी लेने, वो आएगा फिर जो है अचार डालेंगे, आपसे शेयर करेंगे, आप सब हमारे साथ रहना है इंशाल्लाह। लसूड़े का अचार बनाएंगे, देखेंगे लसूड़े का अचार कैसा लगता है। माशाल्लाह बहुत ही प्यारा। अच्छा अच्छा देखें, तो माशाल्लाह ये देखिए कूलर पंखा हमारा बाहर निकला खड़ा है। अभी इसमें जो है ना पानी डाला जा रहा है, तो ये जो है ना पानी जा रहा है इस ट्यूब पर। ये देखें ये है पानी इसमें डाला जा रहा है, इधर टूब खड़ा दी है क्योंकि पानी जो है ना जाता रहेगा, ये फुल हो जाएगा फिर जो है ना। ये देखें ये भी अभी पानी खड़ा है, कल साफ किया है इसको सुबह, फिर देखें मट्टी आ गई है। आज वाला दिन नहीं करते इंशाल्लाह, कल इसको फिर से साफ करेंगे, ये पानी जो है ना निकाल के फिर इसको धोएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी जा रहे हैं घर बाहर की तरफ। तो बाहर का माहौल मैंने कहा बहन भाई से शेयर कर लें, और ऐसा शायद के घर भी चक्कर लगा दे क्योंकि मामू की तबीयत सुबह ख़राब थी। तो फिर उससे हाल अभी ना पूछ लें जो तबीयत कैसी है आपकी। तो आप सब हमारे मामू जान के लिए दुआ करनी है जो उसकी तबीयत जो है ना जल्द जल्द सी आ जाए मुझे। माशाल्लाह खान साहब सब्जी लेके आ गए थे, मैं इंतज़ार करने लगी, मैंने कहा नमाज अदा करने गया तो फिर पता नहीं कहाँ चले। भाई किधर खड़े थे, वो पानी भरने गए थे। अभी भी भरना है पानी, वो जाएंगे ना। हाँ किधर है? अंदर बैठे हैं, वो आएगा सत भाई तो पानी भर के आएगा। चले अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह भिंडी बना रहे हो? माशाल्लाह हम तो रात ही खाई है, अभी आपका अबू चला गया है सब्जी लेने, पता नहीं क्या लेके आता है। बस इस मौसम में ये भी सब्जी होती है और कुछ नहीं होता। हाँ अच्छे बनते नहीं है। हाँ हाँ साग गोभी आलू हमने कहा है, दूसरा दिन साग उबालेंगे, गर्मी ज़्यादा हो जाएगी।
ये भी सही बात है। हाँ तो मामू की तबीयत को सुनाए कैसी है? अभी कुछ बेहतर है। कुछ बेहतर है, अल्लाह पाक शिफा दे। बस मैं वैसे बैठी थी, सही है, अल्लाह पाक शिफा दे। मैं वो बैठी हुई थी, मैंने कहा जब सब्जी लेके आता है तो मैं जो है ना जाके पूछ लूँ मामू की तबीयत का कैसी है। अक्सा को ऐसे खिलाओ उधर बैठ बहर। हाँ आज उसकी तबीयत सही नहीं है और इसलिए अकेली भाग रही है। चलो माशाल्लाह आप भिंडी बनाओ, हम भी जाके देखते हैं सब्जी लेके आया है आपका अबू क्या लेके आया है, फिर हम भी बनाएंगे, टाइम काफ़ी हो। हाँ जी वो ऐसे होगा, दिल ऐसे कह रहा है जो कोई कद्दू वगैरह लेके आया था। नहीं अभी डालेंगे, वो थोड़ा सा लसूड़ा सुबह जो है ना उठाया था मैंने तो थोड़ा थोड़ा सा गीला था, ज़्यादा नरम था। हाँ आज वो उसको फिर धूप पे सुखाया है तो अभी जो है ना माशाल्लाह वो बहुत ही अच्छा सूख गया है, तो अभी इंशाल्लाह डालेंगे। हाँ उबाला था उसका? हाँ बॉयल किया है, मैं पहले बॉयल किया फिर बाद में मुझे बताया था जिसमें लिया है ना और लसूड़ा, उसने कहा आप जो है ना तेल में इसको बॉयल करना। हाँ तेल में बॉयल करके फिर अचार में डाल देना, कुछ नहीं होता ऐसे होता है जैसे ताज़ा लसूड़ा काटा है। और वो तो सूख गया है, आज तो सूख गया है। हाँ वो तो इतना इतना सा हो गया है। हाँ। बहुत अच्छा बन गया जैसे छुआरा होता है, बस वो पानी में जो है ना वो सूख गया है, उसकी लेस खत्म हो गई है। हाँ जी सब्जी लेके आया तो रुखसाना इधर बैठी थी, सब्जी इनको पकड़ा दिया, फिर ब्लड लो हो रहा है। बस अभी आज काफी बेहतर है, आज नींबू लेके आए थे ना, नींबू उसका पानी पिया है, आज कुछ बेहतर है, मैंने कहा भी पानी पी लेते हैं काम करने लगे। सही है, चलो नमक भी डालोगी नींबू भी डालोगी। हाँ जी ये तो सही हो गया, आपको पता है नमक वाला पानी पीते हैं तो जाना कुछ सही तबीयत हो जाती है। चलो पी लो फिर सब्जी काटते हैं। काट लिए हैं। हाँ जी अल्हम्दुलिल्लाह मसाले काट लिए। धनिया उठा लिया। हाँ धनिया बना रहे हैं। धनिया भी नहीं मिलता, गर्मी ज्यादा है ना। हाँ धनिया भी नहीं मिलता, मौसम खत्म हो गया है, सर्दी में होते हैं ये ज्यादा। नहीं गर्मियों से ये जल्दी सूख जाता है ना। हाँ। साल साल होता है, छुपा के फ्रिज में रखा था ठंडक में। हाँ ये न्यू उगा है, देखें वो भी घुमा गया है क्योंकि अभी सावन वाला, इसकी मेहनत भी बड़ी होती है सब्जियों की, गर्मी में डेली पानी लगाना होता है। सब्जी काट के केरी मिट्टी निकाल ली है। चलो सही है, बाहर का माहौल देखें, सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है, आज बिल्कुल हवा नहीं चल रही, बिल्कुल साए चुप खड़े हैं, थोड़े से भी नहीं हिलते, गर्मी जो है बहुत ज्यादा हो चुकी है। हवा हो तो दरख्त भी है, आवाज नहीं है, थम हुई है। हाँ बंद हो गया है, दोपहर को हवा थी अभी बंद हुई है, अभी बंद हुई असर को। हाँ आहिस्ता आहिस्ता अभी चलेगी, रात को आहिस्ता आहिस्ता एक दो घंटे रेस्ट होती है ना। हाँ थक जाती है। हाँ किधर जा रही हो? इधर ना जाओ कुत्ता काटेगा। अक्सा भी आ रही है, वो देखो झलो एक झलो वेसी पई वेंदी पिए।
कहाँ जा रही है? वो कहते हैं मुझे कोई नहीं हाथ लगाया। था पियां लेके वापस जा रहे हैं। बच्चे लोग जो है अभी खेल रहे हैं उधर। वो अक्सा के पीछे हैं। हाँ। अक्सा घर नहीं आती उसको भगा रहे हैं। अच्छा। सब्जी हमारी बन चुकी है, ये देखें कद्दू शरीफी अच्छे खासे काट के रख दिए हैं। ये क्या उठा लिया? क्या लेके आए हो आप? मैं देख रही थी कद्दू। ये है मिसाले, वो है शापर में क्या छुपाया हुआ है? मैं तो नहीं छुपाया, मैं अभी देख रही हूँ। मैंने कहा मिसाले हैं। चलो ये तो धो लो मिसाले को। अभी जा रहे हैं धोने के लिए। अयूब खान नहा लिया है। चलो एक एक साइड पे हो जाओ, एक साइड पे। कद्दू में चिकन डालेंगे क्या? सामान इकट्ठा हो रहा है। सही है। चिकन दो रख दिया, अभी मैं बर्तन वगैरह साफ करके काट करके आग क्या हो रहा है? मैंने कहा गर्मी हो रही है, पंखे चलाऊं? हाँ। अच्छा इधर छत वाला पंखा लगवाएं? हाँ ऊपर लगा दो। कहाँ पे? जो वो जो लकड़ खड़ी है ना इसके ऊपर लगेगा वो पंखे लगाने वाला होक। हाँ। उधर लगेगा छत वाला पंखा, फिर गर्मी नहीं आएगी इधर किचन में। लगा दो ऊपर। सही है। तो पहले मिस्त्री को दिखाना पड़ेगा भी उधर होक लग सकता नहीं लग सकता। वो कहेगा अच्छा लगेगा। कितनी दूरी पे है पता नहीं है? ये 100 से ज्यादा है। अच्छा। हाँ। फिर हवा कैसे आएगी? हम बड़े वाला लगाएंगे। अच्छा। लटकन लगाएंगे, पंखा नीचे होगा। 50 का होक लगाएंगे, 50 के ऊपर जो है ना हम पाइप लगेगा, पाइप के बाद इधर पंखा आएगा इस बराबर, इस ईंट के बराबर इधर। ऐसे लगेगी। चलो अभी इन दोनों पंखे को नहीं लग रही चास्की? नहीं लग रही, अभी पता नहीं कहाँ जा रही है हवा। अच्छा आग नहीं जल रही है हवा से? आग तो जल गई है अच्छी खासी। चोल है तो कहाँ निकली? चोल है बल्दी की यार, कब बल्दी है दिया। हाथ मरे नहीं बेटी, भाव है तो वाला क्या हाथ? वो साथ में जाए ना था भी रख रही, मैंने कहा जल्दी से बच जाए आग। माशाल्लाह चिकन में के लिए जो है ना मैं घी ऐड कर दिया है, अभी ये गर्म हो जाएगा फिर जो है ना चिकन ऐड करेंगे। चिकन को फ्राई करके बाद में जो है मसाले बना करेंगे। हाँ जी कद्दू शरीफ बना रहे हैं ना, कद्दू में पहले जो है ना हम चिकन फ्राई करेंगे, फ्राई करके फिर जो है ना मिसाले ब्राउन करेंगे और कद्दू ऐड करेंगे। कद्दू जब तक हमारे नरम हो जाएंगे फिर जो है ना हम चिकन ऐड कर देंगे, क्योंकि अच्छी रेसिपी बनानी है ना। अक्सा उधर बोलो। अक्सी उधर कौन बुला रहा है आपको?
क्या कर रही है? उधर गई थी वो जो मड हाउस है ना, उधर गई हुई थी, इसलिए तो इसको जो है ना फिर मुर्गियां देखने गई थी, दम दम कराने आए हैं, मुर्गियां देखने आई थी। अच्छा अच्छा, मुर्गियां देख आई हो? मुर्गियां पकड़िया है? मुर्गियां है उधर, देखी है? हालांकि अच्छा काला की मुर्गी है, मुर्गियां पकड़ती है, ये मुर्गी चोर है। काबू आश्रय लग गया देखे। हाँ ओ गिर रही है। कौन तू? आश्रय लग दी आई? हाँ अच्छा, आश्रय लग दी ओ आई हो देखे से घिनना देश से, तो वैसी बॉडी में कच्ची ना खाओ ना, पक जाएगी फिर खाना, ये बांध जाएगी फिर खाना, फिर खाना, कच्ची ना खाओ, ये कच्ची है, अभी खेलो खेलो खेलो, आप ये कच्ची है, अभी इधर डालते हैं फिर बन जाएगी, आपको खिलाऊं, ठीक है? घी ऐड कर दिया, गरम हो चुका है। हाँ जी, बिस्मिल्लाह। माशाल्लाह जी, चिकन जो है ऐड कर दिया है, इसको अच्छे तरीके से ग्रोन कर लेगी, बाद में मिसाल ऐड करेंगे इंशाल्लाह। ऐसे? हाँ जी ऐसे भी है। आज न्यू तरीका बनाया है? नहीं वैसे बनाते हैं, न्यू तरीका। वैसे कब बनाया कद्दू और चिकन? तो आज बना रहे हो? काफी दिन बाद। ये तो पहले जिंदगी में पहली बार बना रही हूँ मैं। अच्छा, पहले कभी नहीं बनाया? कभी नहीं बनाया। अच्छा, मैक्स चिकन कभी नहीं बनाया? अकेला बनाती थी? अकेला बनाती थी, जब आप लेके आते थे आप कहते अकेला बनाओ, जो चीज लेके आते थे वो बनानी होती है ना, तो आज जो है ना आपने कहा जो कद्दू मैश करने हैं तो फिर कद्दू बना रहे हैं, पहले जो है ना चिकन को मैंने कहा ग्राउंड कर ले फिर जो है, असल में उधर सब्जी वाले के पास जो थी ना भिंडी थी कल हमने पकाई है, और बैंगन भी कुमाने कुमाने थे, उसके बाद वो महल थे, महल जो है ना महल वो भी साख्त है, उसमें बीज होता है, फिर मैंने देखा ये कद्दू रखे थे और कुछ भी नहीं थी, मैंने कहा चलो एक किलो चिकन लेके ना कद्दू में मैक्स कर लेंगे ताकि हमारी रेसिपी जो है अच्छी बन जाए, चलो थोड़ा सा चिकन ले आए, ज़्यादा नहीं ले आए ताकि वो बंदे बीमार हो ना चिकन से, खुशबू खुशबू होगी किचन, खुशबू तो होगी चिकन की लेकिन हाँ कद्दू शरीफ है ना, खुशबू बन जाएगी, खुशबू के लिए लिए हैं। हाँ जी, क्योंकि एक किलो के चौके पीस बनते हैं, एक एक पीस तो आ जाए ना एक बंदे को, एक एक बंदे को एक एक पीस बस काफ़ी है, दस बारह चख लेंगे। दस बारह पीस हो गए? हाँ नहीं हो गए, होंगे अभी, गिनती कर लो, अभी गिनती कर लो, अब अभी गिनती कर लो, अगर कम है तो एक दो पीस और ले आते हैं। आप तो लेने जाओगे तो फिर अंधेरा हो जाएगा, चलो एक काम हो जाए तो मैं नहीं खाऊंगा, कोई बात नहीं, हम आपको पता ही इतनी नहीं खाते, बस बच्चे लोग आप खाते नहीं खाते, मैं नहीं खाता, बच्चों को राजी करना है, हम तो ठक ठोक के ये कद्दू खा जाएंगे, खा जाएंगे कद्दू के साथ रोटी खा लेंगे जी, बिल्कुल अच्छी बात है। चलो नमक तो डाल दो मुर्गी में, नहीं था अच्छी नहीं भुननी चाहिए, अच्छा चार ही भुननी चाहिए, ठीक है डाल दिया है। हाँ मैं तो कहती हूँ ऐसे जैसे ग्राउंड कर रहे हैं ऐसे निकाल के खा रहे हैं, कद्दू पका के फिर खाएंगे, ऐसे खा लें फिर रोटी क्या चीज के साथ खाएंगे, फिर खटरे पे आके गिर पड़ोगी, असल में पता है क्या, अभी तो नींबू वाला पानी पिया फिर खाओगे तो पुट्ठी आके चार पाए के सो जाओगे, अभी पता है क्या हमारा मुंह जो है ना ऐसे लिस्सा हुआ है, ऐसे दिल करता है खुद इतनी मिर्चे और इतनी चार ही चीज हो जो मैं खाऊँ, हमारा मुँह जो है ना अच्छा चारा हो जाए, चारा जो खाता है ना उसको मोशन लगे हुए हैं, ज़्यादा जो खाता है गर्मी बर्दाश्त नहीं होती, ये फीका मीठा खा रहे हो ठीक है मौसम, ये भी सही है, ये बर्दाश्त तो हो जाता है मिर्चियाँ, वैसे भी है क्योंकि सालन बनाते हैं मैं एक दो लुक में खाती हूँ, हाँ मादा हो जाता है तो फिर नहीं खाई जाती, वैसे मुँह को अगर चारा करने जाते हो मिर्ची को ना उंगली पे लगा के ऐसे दांतों को लगाओ, दांतों को लगाओ फिर दंदवान की तरह लगाओ, मुँह कड़वा हो जाएगा, मुँह भी नहीं मिलेगा हमारा, फिर चारा हो जाएगा, ऐसे होंठ खुले रहेंगे, चारा हो जाएगा जैसे वो जानवरों को लगाते थे, कहते हैं घास नहीं खाते, घास नहीं खाते, ये लिस्से हो गए, इसको जो है ना नमक लगाओ मुंह को, हमारा ऐसे हाल है, चारा नहीं होता हमारा।
अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। बस हाँ अभी तो फिर ऑन हो रही है, बस थोड़ी सी देर आई है, फिर ऑन हो जाएगी ना अच्छी खासी, इसका पानी सूख जाएगा फिर निकालेंगे। हाँ जी, इसका पानी भी सूखना है। ऐसे नहीं निकाल सकते? नहीं, ऐसे कैसे निकालें, वो तो पानी होगा फिर अच्छी नहीं बनेगी। हाँ ये तो है, क्योंकि ये तो आपको पता है कद्दू भी पानी निकालते हैं, तो उसका भी पानी होगा तो फिर अच्छी नहीं लगेगी, इसलिए पहले ग्रोन करके फिर जो है ना इसको अच्छे तरीके से ग्रोन करेंगे और इसका पानी निकल आएगा उसको भी ग्रोन करेंगे फिर जो है ना वो चिकन डालेंगे। सही है। आज लेट कर रही है रुखसाना, मेरे ख्याल में लेट ये ऐसे हो रही है, मैं आपको बताऊं क्यों लेट हो रही है। देखो सूरज नहीं आया, इस टाइम आप तंदूर जला देती थी तो फिर आपको तो पता है हमारी तबीयत का, तो फिर बात करते हो लेट हो गई है, लेट हो गई, इतनी गर्मी में हमारे से काम नहीं होता है। आपसे नहीं होता है ना, तो वो बच्चों को भेजो कापियाँ ले आए, बच्चे फातिमा को भेजो, हाजरा को भेजो, वो कापियाँ ले आएगी। कौन सा पर्रे रखे हो, ये दीवार के साथ तो रखी है ना बहन, वो तो रखी है करीब रखी है, तो फिर उनको भेजो आग मैं जलाऊंगा। हाँ फातिमा थापियाँ ले आओ तंदूर के लिए, अभी मैं जब तक रेसिपी बनाऊंगी अंधेरा हो जाएगा, फिर तंदूर में आग जला दो, उठो। अभी इसका चिकन नहीं ब्राउन हो रहा, दरवाजा बंद करके आओ बुशरा, दरवाजा बंद करके आओ, चलो डाल दो मिसाले। सुमैया पानी पिलाती हो ठंडा कूलर वाला? हाँ जल्दी ले आओ। चिकन ब्रोन कर लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह चिकन हमारे ब्रोन हो चुके हैं, अभी जाना मैं बैर निकालना शुरू कर दिया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुछ जाना मैं प्लेट में निकाल दूंगी फिर जाना मसाला ब्रोन करेंगे। सही है। मुझे एक हम रोटी दो। पक जाएगी बाद में खाना, अभी कच्ची बर्फी हुई है, लून मिर्ची नहीं है। अच्छा चलो जैसे मर्जी आपकी, अभी अभी निकाला है गर्म है, ठंडी होने दो फिर खाना। ये वाली कंदूरी दे दो जल्दी करो, लेट हो रही है आज, दो कंदूरी है, एक दे दो एक दे दो। ये अच्छी कंदूरी है ना, कितने के लिए, 10 रुपए की 20 रुपए की, जिन्हें आधे बता दें, 10 रुपए कंदूरी 20 रुपए कंदूरी, 10 रुपए कंदूरी 20 रुपए कंदूरी, और आधे 100 रुपए या 4 कंदूरी, और 100 दी एक ठीक है, पहले आधे 100 या 4 छोटे हो जाए, वो बेकार हो जाए, हम महंगाई जो ठीक है, पहले आधे 10 रुपए कंदूरी 20 रुपए कंदूरी ना? वो जमाना चला गया है, डार पर कंदूरी वाला। अभी जो है ना देगचा चाड़ दिया है दोबारा, अभी मिसाले ब्राउन कर रही है। हाँ जी, एक चम्मच ले आओ छोटा छोटा चम्मच दे दो मिर्ची डालने के लिए। हाँ जल्दी जाओ किचन में, लाल मिर्ची डालनी है, लाल मिर्ची डालोगे और नमक भी डालोगे? कम डालना, आप डाल देना। हाँ छोटा छोटा चम्मच, वो कहते हैं हमारा हाथ नहीं पहुंचता ऊपर, हाथ नहीं पहुंचता। हाँ। माशाल्लाह जी मिसाले जो है ऐड कर दिए हैं चोरी चोरी, आजकल चोरी चोरी मिसाले ऐड हो रहे हैं, हमने इधर देखा मिसाले डाल दिए ना, मैं इसको कहा चम्मच उधर रखा उठा लो कैमरा बंद करके, फिर इसने मिसाले डाल दिए चोरी चोरी। तो नहीं टोकरी के नीचे रखा था, टोकरी के नीचे, तो फिर वो उठा लिया है, उठा लिया है। हाँ। दुआ सलाम कर लो, कैसे कैसे
आज क्या बना रहे हो? कद्दू और चिकन। माशाल्लाह। लून मिर्चा चख लो। कैसी लगी लून मिर्ची? बहुत अच्छी है, चारी चारी है। सुमैया कैसी है? बहुत अच्छी है। चलो चम्मच ना खाओ। अभी तो सर बिजली चली गई, बिजली आज चली गई वक्ती वक्ती। ज्यादा ठंड लग गई है। हाँ जी, पहले भी गई है। पहले गई थी? हाँ। दोपहर को गई है, 10-15 दिन, 15 मिनट असर की नमाज के टाइम चली गई थी। हाँ। उधर मस्जिद में तो थी, उस टाइम भी ऐसे गई तो फिर वापस आ गई। दोबारा घी ऐड हो रहा है क्या? हाँ, उसी काम है ना। चलो सही है। मिर्ची ऐड हो रही है, लाल मिर्ची। लाल मिर्ची बताना आप। बुशरा कितना डालनी है? और डालनी है कितना? फुल। ओ, वो कहते 5 चम्मच। 5 चम्मच फिर कोई ना खाए ऐसे, फिर मिर्चा भून के खाए। हाँ। ऐसे 2 चम्मच। हाँ बस 2 काफी है, ज्यादा नहीं डालनी। सही है। फिर बुशरा कहेगी मेरे मुंह में जो है मिर्ची लग गई है। हाँ, ज्यादा क्यों डाली आपने? हाँ ज्यादा ना डालना, पैसे नहीं है हमारे पास, खत्म हो गए हैं। रुखसाना मैं जा रहा हूँ नमाज अदा करने मगरब वाली, अजानें हो रही हैं। आप कद्दू ऐड करना, शेयर भी करना। सही है, मैं नमाज अदा करके आ जाता हूँ। तंदूर भी अभी तक नहीं जलाया, वो जलाते हैं। माशाल्लाह मिसाल है, हमारे जना शिफा से भी रौन हो चुके हैं। अभी जो है ना आप कद्दू धोना शुरू कर दिया। बिस्मिल्लाह, पहले इसको धोया, अभी थोड़ा सा मैंने कहा और पानी लगा दे, फिर जो है ना ऐड करेंगे पतीले में। ये देखें मिसाल है हमारे, आज जो है ना न्यू कद्दू ले आए हैं, 5-7 जो कहते हैं नरम कद्दू है। आज देखते हैं इसकी रेसिपी जो है ना कैसी अच्छी बनती है। अभी इंशाल्लाह कद्दू मैंने ऐड कर दिया, इसको अच्छे तरीके से मैश करते हैं। मैश करने के बाद जो है ना इसको थोड़ी देर के लिए दाम लगा देंगे, ताकि मिसाले और कद्दू जो है ना अच्छे खासे मिक्स हो जाए। और पानी भी अपना निकालते हैं, फिर ये भी पानी निकाल देंगे और इसको ब्राउन करके फिर जो है ना हम चिकन ऐड कर देंगे। तो माशाल्लाह ये देखें दाम मैंने लगा दिया है, और तंदूर भी हमारा अच्छा खासा जल रहा है। ये देखें तंदूर में भी आग जली हुई है, उधर चूल्हे में भी जली हुई है। ये जो है ना माशाल्लाह तंदूर भी जलता रहेगा और रेसिपी में हमारी बनती रहेगी इंशाल्लाह। तो जल्दी से इंशाल्लाह बना लेंगे, क्योंकि अंधेरा भी हो गया है, मगरब का बाद का टाइम है, तो इंशाल्लाह भी काम हमारा शुरू है। इंशाल्लाह जल्दी से बना लेंगे, फिर वो भी आपसे शेयर करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज मगरब अदा करके पहुंच चुके हैं घर। तो इधर जो है माशाल्लाह रुखसाना कर रही है भुनाई रेसिपी की, कद्दू शरीफ और चिकन। नहीं अभी कद्दू है सर, चिकन की तरह अभी चिकन नहीं डाले। डालना है? हाँ डालेंगे। अच्छा चलो चिकन डालेंगे, मुझे पता नहीं मैंने कैसे ऐड कर दिया है। नहीं, उधर तंदूर भी जला दिया है माशाल्लाह, झड़के लगा रहा है। टाइम भी काफ़ी, देखें अंधेरा होने वाला है। आज थोड़ा लेट हो गया, 10-15 मिनट। जी बिल्कुल लेट हो गए, क्योंकि सब्जी लेने आप गए थे उधर, वो लेट हो गया, गर्मी ज़्यादा थी, फिर उधर दूर जाना पड़ा सब्जी लेने के लिए। जी फिर चिकन बनाते वो छोकरा खड़ा था, वो थोड़ी लेट कर दिया। इंशाल्लाह टाइम से हो जाएगा, अभी बस थोड़ी देर है, ये जो है ना ब्राउन हो जाएंगे कद्दू अच्छे खासे, फिर जो है ना चिकन ऐड करेंगे। सही है। ये पानी मांग रही है, इसको पानी दो। ये पानी इतना पीती है ना, गर्मी है ना मैदे में, गर्मी है पूरा दिन, फिर इसका पसीना भी नहीं सूखता। हाँ माशाल्लाह कद्दू ब्राउन हो चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके। डालो चिकन डालो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, चिकन के जो है कुछ पीस डालते हैं, अब मिक्स हो जाएगी रेसिपी, अच्छी बन जाएगी कद्दू और चिकन की। हाँ जी, है ना। हाँ जी, अच्छी। चलो ठीक हो गया।
तो आप बनाओ, तंदूर भी रखता हो गया है, रोटियाँ बनाओ। तो मैं वीडियो का एंड कर रहा हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, साबन भाई जिंदाबाद, अल्लाह हाफिज़।